हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। यस, पहले डीपीपी निकाल लो। दो डीपीपी है आपकी। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक किसी का 1, 2, 3 1 से लेके 3 तक, 4 से लेके 6 तक बेटा किसी का प्रॉब्लम, 4, 2, 6 सर। अभी तीन ही बच्चे आए, तीन चार। सर अभी तीन चार बच्चे ही आए हैं। कोई बात नहीं बेटा, टाइम पे नहीं आएंगे तो अपना तो अपना टाइम पे काम करना, उनका वेट थोड़ी करेंगे। 7 से लेके 9 तक, 11:50 ही है ना आपका क्लास का। यस सर। 7 से लेके 9 तक, 7 to 9 10 to 12 टेन से लेके 12 तक, 15 तक किसी का और, अप टू 15 नेक्स्ट आ जाओ। फिर 1 से लेके 3 तक, नेक्स्ट वाली डीपीपी में 1 से लेके 3 4 to 6 4 to 6 7 से 11 तक, 7 to 11 12 to 14 14 to 17 और लास्ट 19 तक किसी का प्रॉब्लम, नहीं है तो आगे देखो बेटा। नेक्स्ट बच्चों, हम प्रॉब्लम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक। हाँ सर, जो आपने कल पढ़ाया था उसमें एक डाउट है। बोलो। तो जो कल आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया है, मैंने 4+C2H4 वाली वो इक्वेशन मतलब रिवाइज किया तो नहीं समझ आ रहा है कि किस तरह से हो गया। KMnO4+C2H4 गिव्स बेसिक मीडियम में गिव्स MnO2 प्लस
CH2OH. ये होता है, इसको बैलेंस करने के लिए, के को बैलेंस करने के लिए आप लिखोगे तो आप ऐसे लिख दो, पहले तो रिएक्टेंट आपका के एम एन ओ फोर है, सी टू एच फोर है, प्रोडक्ट आपका था एम एन ओ टू, और इधर आपने लिया था सी एच टू ओ एच और सी एच टू ओ एच लिया था। आपको इसको बैलेंस करना है तो आपको के और चाहिए होगा, तो आप यहाँ पर के भी दूसरी साइड डाल दो, जैसे के ओ एच लिख दो या कुछ भी बेस लिख दो आप के को बैलेंस करने के लिए, बेसिक मीडियम में करने के लिए आपको। तो यहां पर एल्केलाइन के एम एन ओ फोर लिया जाता है, तो आप पहले इसमें करोगे एम एन को एम एन के साथ, तो के एम एन ओ फोर में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +7, और यहां पर एम एन का आएगा बेटा +4, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 3 का, तो इसका इनफेक्टर आ गया 3। और सी टू एच फोर में कार्बन वाला इन्फेक्टर निकालेंगे, तो सी टू एच फोर में कार्बन सपोज एक्स है तो 2x+4=0, तो एक्स की वैल्यू निकाल लो बेटा, तो एक्स इज इक्वल टू -2 आ गया, तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, यहाँ पर भी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो सी एच टू ओ एच में -1 आ रहा है बेटा। यस सर, तो सपोज आ गया इस तरफ -1, तो -1 आ गया ये। -1 तो डिफरेंस कितने का आया देखो, -2 से 1, लेकिन इसमें कार्बन 2 है स्पीसीज में, तो 1 × 2, तो दोनों के एन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो को बैलेंसिंग हो जाएगी। तो इथाइलीन वाला एन फैक्टर के एम एन ओ फोर में लगा दो, 2 KMnO4 +3 C2H4, बाकी रख देते हैं एक बार वैसे ही हिट एंड ट्रायल से, बाकी बैलेंस कर लेंगे हम CH2OH CH2OH। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल आप वो जो आपका आपको कोफिशियंट जो यूज करते हो वो लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट वाले यूज करोगे ना, प्रोडक्ट तो अपने आप अब हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा अपना, वो तो अपने आप हो जाएगा, हमें तो कोफिशियंट तो रिवर्स यहाँ लगाए हैं ना, तो कोफिशियंट इधर लगाओगे इधर अपने आप ही हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा। देखो अब कर लो हिट एंड ट्रायल से, तो 2 KMnO4 +3 C2H4, Mn बैलेंस करो, Mn कितने इस साइड में 2, तो ये हो गया 2 MnO2, कार्बन कितने हैं देखो 3 × 2 = 6, तो 2 है तो 3 आ गया, 3 CH2OH CH2OH, और KOH आ गया, तो K इस साइड पे कितने है देखो 2, तो ये 2 KOH हो गए, ये चीज बैलेंस हो गई आपकी, K बैलेंस हो गया। अब रह गया आपके पास OH रह गया, और मतलब O और H रह गए, तो O और H चेक करो, इस साइड में देखो O कितने हैं 4 × 2 = 8, इस साइड में O देखो कितने हो गए 2 × 2 = 4, तो यही हो गए 4 और 6, ये हो गए क्योंकि 3 ये वाले 3 ये वाले, तो 3 और 3 = 6, और 2 × 2 = 4 और 6 कितने हो चुके हैं 10, 10 और 2 O ये आ गए, तो कितने हो गए 12, और इस साइड में कितने थे देखो 8, तो आप क्या कर सकते हो कि OH ही डालने हैं ना, तो OH डालने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, जिस साइड OH कम हो रहे हैं उस साइड डाल दो OH नेगेटिव, कितने कम हो रहे हैं 4 कम हो रहे थे, इस साइड में 4 OH दे दो, इस साइड में 4 OH दे दो, H2O डाल दो, क्या बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल ही तो है, चाहे H2O से कर दो OH से कर दो किसी भी चीज से कर दो। मान लो इस साइड आप क्या करोगे सर, अब हाँ सर एट द एंड तो याद ही करना पड़ेगा हमें, एंड तो हिट एंड ट्रायल है ना बेटा, वो बैलेंस हो चुका है आपका, जिनको बैलेंस करना था जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते हैं वो तो बैलेंस हो गया, ये मैंने फोर के कितने मोल के लिए इथाइलिन कितने मोल है वो तो हो गया, अब आपको बाकी चीजें जो है वाटर और एच ये सारा बैलेंसिंग आपको देखना पड़ेगा भाई, एच और ओ एच देखना पड़ता है हमेशा, तो उससे आइडिया लग जाएगा हमें कि
भाई इस साइड हमारे क्या आ रहा था, जैसे इसमें देख रहे हो इस साइड हमारे पास 10 क्या आ रहे हैं आपके पास, 10 आ रहे थे ना, वो कितना 12 आ रहे थे, 12 आ रहे थे, ठीक है। और इस साइड कितने आ रहे थे आपके पास, 8 आ रहे थे, तो डिफरेंस तो 4 का आ रहा है ना। तो आप एक काम कर सकते हो इसमें, या तो इस साइड में, जिस साइड में हमने क्या पढ़ा था कि जिस साइड में आपके पास वो ज्यादा हो, उस साइड डिफरेंस किसका डाल दो, 4 OH का डाल दो, यही तो कर रहे थे, 4 OH डाल दो। ज्यादा होगा उस साइड वाटर डालना होता है, जितने कम है। वो तो एसिडिक मीडियम में था ना, एक एल्केलाइन मीडियम भी तो कर रहे हो ना इसमें एल्केलाइन। आप एसिडिक एल्केलाइन छोड़ो, आप सीधा ये देखो कि आपको एच पॉजिटिव आयन नहीं दिखाने, आप पहले वाला यूज कर लो। अब सपोज आप कह रहे हो कि इस साइड मेरे पास 12 हो गए, इस साइड मेरे पास 8 हो गए, हाइड्रोजन भी चेक करो, क्योंकि हाइड्रोजन भी चेक करना पड़ेगा। इस वाला हाइड्रोजन तो 12 बैलेंस है आपका, क्योंकि 2 और 3, ये आ गया 2 और 1 3, और ये 2 और 3, 1 में 3 है तो ये 9 हो गया। और इधर जो हाइड्रोजन है वो आपका कितना आ रहा है, हाइड्रोजन इधर आ रहा है 4 3 12 आ रहा है, और इधर हाइड्रोजन देखो कितना आ रहा है आपका, टोटल काउंट किया आपने, CH2 है ना, एक मॉलिक्यूल में 2 और 1 3, 2 और 1 3 3 और 3 6, 1 में 6 है, और ये हो गया 6 3 18 ये हो गया 2, ये हो गया, तो ये कितने आ रहे हैं आपके, 20 एच आ रहे हैं इस साइड। और इस साइड कितने आ रहे हैं आपके एच, 4 3 12 एच आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हाइड्रोजन भी बैलेंस करना है और ऑक्सीजन भी बैलेंस करना है, तो यही 10 ट्रायल्स से करोगे। तो ऑक्सीजन का डिफरेंस कितना है, 4 का, और हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना है देखो आपका, 8 का, तो 4 और 8 है तो 4HOH लगा दो ना इस साइड। अब ये प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इस साइड ऑक्सीजन ज्यादा है 4, इस साइड ये ज्यादा है 8, तो इस साइड क्या कर दे, वाटर लगा दो, 4HOH लगा दो, 4HOH, तो देखो हो गया बैलेंस या नहीं हुआ, कितने थे, 4 ऑक्सीजन ज्यादा थे और ये H ज्यादा थे, तो H2O कर दो, चाहे ये लिख दो, जो लिखने का तरीका है जैसा आपको इजी में समझ आए वो आपका हो गया, तो होगी बैलेंसिंग। इटन ट्रायल तो किया आपने, जितने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन थे वो बैलेंस कर दिए। So, ये तो उन्होंने देख के मतलब देख लिया कि इधर हाइड्रोजन कम था तो उन्होंने इधर लगा लिया, लेकिन जो उन्होंने रूल्स पढ़ा है कि जिधर ज्यादा होगा बेसिक मीडियम में, जिधर ज्यादा वो होंगे उधर ही साइड हम लोग वाटर लगाते हैं उतने। वो तब होता जब यहाँ पर ये वाला KOH प्रोडक्ट साइड नहीं होता, ये रिएक्टेंट साइड होता, जब आपका रूल तब लगता आपका मीडियम जो है रिएक्टेंट। इससे क्या फर्क आ गया सर, H और OH को बैलेंस करने के लिए आपको हिट एंड ट्रायल यूज करना पड़ता है। वो जो उन्होंने हिट और ट्रायल मेथड को रूल बना के उन्होंने दे दिया, वो उसमें दिया कि अगर आपका OH आयन अगर लेफ्ट साइड हो, मतलब रिएक्टेंट साइड हो, तब वो रूल लग जाएगा, नहीं तो फिर आपको हिट एंड ट्रायल से सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए हो गया। मान लो यही रिएक्शन, ये क्वेश्चन ही ऐसे आ जाता आपका, ये क्वेश्चन दे देता मैं आपको, सपोज मैं आपको दे देता हूँ KMnO4 और KMnO4 Fe+2, ऐसे दे दिया MnO4- Fe+2, और यहां से दे दिया मैंने MnO2 और ये प्लस कर दिया मैंने आपका Fe+3, मैंने कह दिया एल्केलाइन मीडियम में कर दो इसको। तो आपको लास्ट में हिट एंड ट्रायल ही यूज करना है। आपने ये देखा Mn यहां से यहां देखा, तो यहां पर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आया +7, यहां पर आपके आपके आ गया +4, तो डिफरेंस आ गया आपका 3 का। इसके लिए चेक किया तो एन फैक्टर आ गया 1, तो आपने इसका कोफिशिएंट इसको दे दिया, इसका इसको दे दिया, तो 1 MnO4-, तो बैलेंसिंग तो बस यहां हो गई, बाकी तो हिट एंड ट्रायल है सब। ये हो गया हमारा MnO2+Fe+3। अब आपने आगे फर्दर जो बैलेंसिंग करना है हिट एंड ट्रायल से, उसको रूल बना लो, हिट एंड ट्रायल से कर लो। जैसे देखो अब यहाँ ऑक्सीजन है तो MnO2 है, इस साइड ऑक्सीजन देखो कितने है, 4, इस साइड ऑक्सीजन कितने है, 2, तो इसका मतलब कितने का डिफरेंस आया है, 2 का। अगर 2 का डिफरेंस आ रहा है और एल्केलाइन मीडियम में जाना है आपको,
आप कैसे करते हो, जहाँ ज्यादा होते हैं वहाँ वाटर ऐड करते वहां पर डिफरेंस वाले ऐड कर दो, क्या ऐड करते हो, वाटर जैसे यहाँ एच टू ऐड कर दिया एच ओ एच, और दूसरी साइड में उतने क्या डाल दिए ओ एच डाल दिए। अब चेक कर लो कि आपका बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, ओवरऑल तो हो जाएगा एम एन ओ फोर नेगेटिव, थ्री एफ ई प्लस टू, टू एच टू ओ, एम एन ओ टू और टू एच। इसमें क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस करना था, हाइड्रोजन नहीं करना था। और उसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ था, ऐसा क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि उसमें आपको दोनों चीजें बैलेंस करनी थी, ऑक्सीजन भी करना था और हाइड्रोजन ही करना था, तो हीट एंड ट्रायल यूज कर लिया, उसमें आप दो एक साथ चीजें बैलेंस कर दी थी, ये फर्क होता है दोनों के। अब देखो ये आपका बैलेंस हुआ नहीं हुआ, पहले चेक तो कर लो इसको, इस साइड था फोर, इस साइड था टू, तो ऑक्सीजन में टू का डिफरेंस आ रहा था आपका, तो टू आपने अपोजिट साइड में जहाँ ज्यादा थे वहां टू एच टू डाल दिया, और दूसरी साइड में टू ओ एच नेगेटिव डाल दिया, तो हाइड्रोजन कहाँ बैलेंस हुआ, अभी आपका हुआ क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस, तो ये ऑक्सीजन तो हो गया मुझे लगता है फोर और टू सिक्स, और ये कितना हुआ टू फोर, और ये आ रहा है टू फोर हो रहे हैं, अभी टू और चाहिए ना आपको, टू और चाहिए, तो हिट एंड ट्रायल लगा दो, टू के क्या चाहिए ऑक्सीजन और चाहिए, तो दूसरी साइड टू ओ एच, इधर टू एच टू ओ कर दिया आपने, टू एच टू में फोर आ रहा है, तो आपका फोर ओ एच करो, मतलब टू एच और दे दो, तो देखो टू एच और आ गया तो हो गया बैलेंस या नहीं, हिट एंड ट्रायल किया हमने, तो इधर कितना आया हमारा फोर और टू सिक्स, इधर कितना हो गया अब टू और टू फोर और टू सिक्स, हाइड्रोजन बैलेंस करो, देखो हाइड्रोजन कितने हो गए फोर, तो टू इधर वाले हाइड्रोजन हो गए, टू इधर वाले हाइड्रोजन हो गए, टोटल चार्ज बैलेंस कर दो भाई, तो इधर कितना आ रहा है एम एन ओ टू, एफ ई प्लस थ्री भी बैलेंस करो ना, एफ ई प्लस थ्री, तो चार्ज टोटल कितना आ रहा है, ये आ गया थ्री थ्री या नाइन, देखो टू और टू, टू टू फोर और नाइन थर्टीन हो गया, ऐसे यहां से आ गया आपका थ्री टू जा सिक्स, तो इधर कितना आ रहा है आपका एम एन बैलेंस ऑक्सीजन फोर और टू सिक्स, पहले ये मैं एम एन, आयरन बैलेंस ये आपका बैलेंस हो गया, इसके अंदर आपका चार्ज देखो बैलेंस हो गया, यानी वह इधर था थ्री टू जा सिक्स और वन नेगेटिव आ रहा है फाइव, इधर आ रहा है एफ ई प्लस थ्री, तो चार्ज बैलेंस हो गया, तो देखो प्लस थ्री और ये आ गया नेगेटिव वाला, ये आ गया ना थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, ये किया हमने थ्री थ्री जा नाइन, टू और फोर, फोर और नाइन थर्टीन, तो यहाँ आ गया थ्री टू जा सिक्स और ये आ गया नेगेटिव, न्यूट्रल हो गया आपका, तो बैलेंसिंग मीडियम में इधर चार्ज क्यों नहीं बैलेंस दिख रहा है, इसमें वन एम एन ओ फोर को कन्वर्ट किया है, ये एम एन ओ फोर, एम एन ओ फोर नेगेटिव किया है, इधर एम एन ओ टू किया आपने, ठीक है ये न्यूट्रल ले लिया, इधर थ्री एफ ई प्लस टू किया है, इधर एफ ई प्लस थ्री किया है, तो इसका कोफिशियंट मैगनीज का इसको लगा दिया, इसका लगा दिया, वन एम एन ओ फोर थ्री, इसको भी वन कर दिया और ये थ्री, थ्री एफ ई प्लस थ्री आ गया, है ना, तो कंप्लीट हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उस रिएक्शन में जाना पड़ेगा जो जैसे एम एन ओ फोर को के एम एन ओ फोर बनाना पड़ेगा, तभी के ओ एच वगैरह से ये बैलेंस होगा, अभी आपका चार्ज जाके जो बैलेंस होगा, जैसे ये था ना आपका एम एन ओ फोर को फिर हमें के एम एन ओ फोर में लिखना पड़ेगा, फेरस सल्फेट को FeSO4 में लिखना पड़ेगा, एसिडिक मीडियम को, एसिडिक होता तो एच रखते हैं, बेसिक लगा रहे हम, तो फिर MnO2 लिखना पड़ेगा, ये फेरिक सल्फेट लिखना पड़ेगा, Fe2SO4 थ्राइस, ये पूरे प्रोडक्ट लिखने पड़ेंगे, तो जनरली जो आपका बैलेंसिंग होगा वो लास्ट में जो H और OH वाला है वो आपका हिट एंड ट्रायल से ही जाएगा, जो बैलेंसिंग करना है आपने वो आपने हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करना है H और OH में। या आप जब भी करो, अगर आप एक ही बेसिक बनाना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, आप देखो मान लो एसिडिक मीडियम में करते हैं अपने, उसी एसिडिक से बेसिक बनाते हैं अपने, सपोज ऐसे
यही रिएक्शन मैंने दिया MnO4 नेगेटिव Fe+2, मैंने कन्वर्ट कर दिया Mn2 पॉजिटिव और Fe+3। अगर मैंने एसिडिक मीडियम दिया आपको, सपोज मैंने कहा एसिडिक में करो, तो यही काम किया आपने, एन फैक्टर निकाला 5 और इसका एन फैक्टर निकाला 1, एन फैक्टर रिवर्स कर दिए तो 1 MnO4 प्लस 5 Fe+2, इसको रहने दो पहले, ये किया। अब आप क्या करोगे, फिर मैग्नीज और ये बैलेंस कर दोगे, ये वाले आयन जिसको करना है, तो 1 MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe+2, Mn में 1, Mn बैलेंस हो गया, Fe हो गए 5। ये कर दिया आपने, तो MnO4 5 Fe आ गया। अब क्या करना था, अगर आपको एसिडिक मीडियम है तो क्या बताया था, जिस साइड में H ज्यादा हो उसके अपोजिट साइड वाटर डालते थे ना आप, जैसे इधर 4H ज्यादा है तो इधर क्या कर देते थे आप, 4H2O डाल देते थे, और अब इधर H ज्यादा हो जाते थे तो दूसरी साइड क्या कर देते थे आप, H+ आयन H पॉजिटिव कर देते थे, ऐसा करते थे ना। अब अगर आप क्या हो, बेसिक मीडियम हो तो ऐसा ही चलो, बेसिक मीडियम हो तब भी ऐसे ही चलो, लास्ट में बस जो H पॉजिटिव आ जाए तो उसको खत्म करने के लिए वाटर बना देना, दोनों साइड OH डाल देना। ये तरीका भी आप यूज कर सकते हो, दोनों साइड जितने आपके HH हो OH डाल देना। जैसे आपने ये वाला एग्जांपल लिया, सपोज कौन सा लिया था अभी हमने, जो इससे पहले वाला किया था आपने MnO4 वाला, MnO4 नेगेटिव, और ये लिया था C2H4, और आपने कहा एल्केलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम, बेसिक इधर चेंज कर दिया था MnO2, MnO2 प्लस आपने चेंज कर दिया था, तो बस इसमें Mn+2 जो आपने चेंज किया है ना, Mn+O2, और इधर क्या लिखा था आपने, CH2OH, CH2OH, आप ऐसे ही चल लो जैसे इसमें चले थे ऐसे ही चल लो, लास्ट में OH बना लेना, बस उसमें आयन उसी तरीके से रख दो। तो इसमें रखो जैसे MnO4 नेगेटिव प्लस C2H4, एन फैक्टर निकाल लिया, अभी निकाला था हमने, इधर कितना आया था एन फैक्टर 3, और इसका एन फैक्टर कितना लिया था हमने 2, एन फैक्टर उल्टे कर दिए थे 2 × 3 MnO2 प्लस CH2OH, CH2OH। अब आपने क्या किया था, फिर पहले Mn को बैलेंस किया, MnO4 नेगेटिव 3 C2H4, Mn2 है 2 लगा दो, CH2 3 है 3 लगा दो, अब इस एग्जाम्पल, ये चीज जो मैं आपको समझाना चाहता था, इस एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में क्या फर्क है, देखो इस एग्जाम्पल में सिर्फ किसको बैलेंस करना था आपको, लास्ट में सिर्फ किसको लेना था, ऑक्सीजन को। तो जब सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस करना होते हैं तब हमारे रूल लग जाते हैं, जैसे अभी रूल लगाया आपने, सिर्फ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कहीं नहीं है, देखो दिखाई नहीं दे रहा हाइड्रोजन और कहीं। तो जब सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस करने होते हैं तब हम जो रूल फॉलो करते हैं वो हमारा रूल फॉलो हो जाएगा, लेकिन अगर हमें हाइड्रोजन भी बैलेंस करना पड़ेगा तब फिर हमें अलग चीज होगी। तो देखो अब इसको, अब उसी फॉलो वैसे करते जाओ, देखो अब क्या किया आपने, Mn बैलेंस हो गया तो कार्बन देखो 6 हो गए, तो और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन देखो 4 × 3 = 12, इधर देखो हाइड्रोजन कितने आए थे 2 और 1 = 3 और 2 1 और 3 6 × 3 = 18। तो यहां पर इसलिए ये हिट एंड ट्रायल हमारा यूज हुआ था कि ऑक्सीजन भी बैलेंस करना पड़ रहा है आपको और हाइड्रोजन भी बैलेंस करना पड़ रहा है। तो सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस करोगे और फिर आपको क्या है, बाद में हाइड्रोजन भी बैलेंस करने पड़ रहे थे, इसलिए आपका वो यूज हुआ था कि जैसे अब ऑक्सीजन सिर्फ बैलेंस करोगे तो इधर क्या आया था 8 ऑक्सीजन, इधर जो ऑक्सीजन बैलेंस किया था वो कितना आया था आपका 2 × 4 और 12 आया था जो अभी किया हमने 12 ऑक्सीजन। तो सिर्फ ऑक्सीजन होता देन तो यही बैलेंस हो जाता, सिर्फ ऑक्सीजन होता, जहां पर 12 ऑक्सीजन है इधर 8 है तो इधर आप क्या कर देते 4 H2O बैलेंस कर देते, 4 H2O आ गए। अब दूसरी साइड क्या करना पड़ेगा आपको, अब हाइड्रोजन चेक कर लो, तो हाइड्रोजन चेक करोगे तो देखो हाइड्रोजन कितने हो गए आपके इस साइड, ये 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8, सर एक सेकंड रुकना, ये 4 × 3 = 12 हो गया ना, 4 × 3 = हाँ
सर राइट साइड में ऑक्सीजन 10 है शायद। राइट साइड में देखो MnO2 है तो 2 2 4 तो यही हो गए ऑक्सीजन, और इसमें देखो 3 ऑक्सीजन इसमें है और 3 ऑक्सीजन इसमें, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो कितने हो गए टोटल हमारे पास, 3 ये और 3 ये, 6 ये हुए, 6 प्लस 4 10 हो गए, मतलब 10 है ऑक्सीजन। अगर 10 ऑक्सीजन है और इधर कितने आए थे 8, तो कितने का 2 डिफरेंस आया, तो 2H2O कर दिया। अब जैसे ही 2H2O करोगे तो दूसरी साइड में आपको क्या देना पड़ेगा, हाइड्रोजन चेक करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन चेक करो देखो, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए हमें हीट एंड ट्रायल करना पड़ रहा है। अब देखो हाइड्रोजन चेक करो। सर, क्योंकि शायद ये हाँ आपने बताया था कल कि OH जब प्रोडक्ट में भी होता है तब ऐसा करते हैं। हाँ मतलब वो कोई भी तरीका यूज कर लो, मैं और आज सिंपल बताना इसलिए बता रहा हूँ कि डिफरेंस क्यों आ रहा है आपका। यहां पर जो रूल लगा था तो रूल में सिर्फ किसको बैलेंस करना होता था, आपको ऑक्सीजन होता था, तब तो रूल लग जाते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन होती है, जो रूल पढ़े हैं वही लग जाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होगा तब हमें थोड़ा हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा। अब देखो जैसे ऑक्सीजन को बैलेंस किया आपने, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ना 2H2 लगाते इधर, लेकिन अब हाइड्रोजन चेक करो, अब हाइड्रोजन को और करना पड़ेगा, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बैलेंस करने पड़ रहे हैं। तो हाइड्रोजन बैलेंस करोगे तो देखो अब काउंट करो, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 3 12 ये हो गया, और इधर कितना हो गया, 12 और ये 4 आ गया, अब 4 12 और 4 16 हो गया, हाइड्रोजन सपोज 16 हो गया। अब इधर देखो हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 18 था क्या, कितना आया था, 18 आया था ना, क्योंकि एक मोलिक्यूल में यस टू सर, और वन थ्री 18। सिक्स 18 आया था। अब इधर देखो, इधर हमारे पास क्या है, 16 HA, अब इधर कितने हो गए, 18। 18 H हो गए। अगर 18 H हो गए तो कितने H का फर्क और आ रहा है बेटा, दो का, दो। दो का है, तो अगर 2 H में ये रखूंगा तो 2 H रखूंगा तो मुझे 2 HOH और रख देता हूं मैं, फिर 2 HOH रख दूंगा, या यही कह दो आप कि H 2 का फर्क आ रहा है, 2H पॉजिटिव दे दो, ऐसे कर लो। चलो कर दिया ऐसे, अब क्या हो गया, 2H पॉजिटिव आ गया ना। अगर एसिडिक मीडियम होता तो यहीं रुक जाते थे हम, लेकिन बेसिक मीडियम है तो उसको बेसिक करने के लिए आपने इधर 2H है, तो एच पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए 2OH नेगेटिव इधर दे दो, 2OH नेगेटिव इधर दे दो, एक स्टेप बढ़ा दो बस। तो आप यही वाला फॉलो करो जो पहले वाला करते थे, एच पॉजिटिव आयन वाला तक, एसिडिक तक वाला, बेसिक में हो तो एक स्टेप बढ़ा देना, जितने एच पॉजिटिव आ जाएं उसके अपोजिट दोनों साइड कितने डाल लेना आप, उतने OHO डाल देना, तब भी बेसिक मीडियम हो जाएगा। तो आपका देखो नेट फिर क्या आ जाएगा, अब देखो ये रिएक्शन अब बन जाएगी ना आपकी, अब कितना आया, देखो 2H2 ये हो गया, और 2H और 2H कितना हो गया हमारे पास, 4 वाटर हो गए ना, टू फॉरेस्ट एच और टू टू एच मिलके 4H2 हो गए, और 2H2 ये 2 ये 4, तो मैं नेट लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, 2MnO4 नेगेटिव, 3 C2H4 प्लस वाटर वाले 4H2O, इधर से लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा, 3 2MnO2 प्लस जो आपने लिखाई है 3 CH2 OH और CH2 OH और 2 OH, 2 OH को चाहे आप ये के लिखना होता तो के भी लिख देते, अगर के नहीं लिखा हुआ है तो 2OH नेगेटिव बैलेंस हो गया आपका। तो प्रोसेस वही यूज कर रहा है, आप क्या करो एच पॉजिटिव तक चले जाओ, एसिडिक मीडियम वाला यूज कर लो, और जब बेसिक करना हो तो लास्ट में जितने एच पॉजिटिव हो उतने दोनों साइड OH नेगेटिव डाल देना, लेकिन दोनों साइड डालना, जैसे यहां पर एच पॉजिटिव तक बैलेंस करने के बाद 2H पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए 2 OH डाल दिए इधर, तो इधर भी मैंने 2 OH डाल दी, सर, 2 OH डाल दोगे तो फिर बैलेंस हो जाएगा आपको। ऐसे सब सब में कर सकते, ये वाली चीज आप सब में अप्लाई कर सकते हो, चाहे रिएक्टेंट साइड हो चाहे प्रोडक्ट साइड हो, फिर सोचने की जरूरत नहीं। तो आपको जो इजी लगे वो कर लो, अगर आपको ये इजी लग रहा है कि सर एसिडिक मीडियम हमसे हो जाता है, एसिडिक सकते मीडियम वाला, तो उस एसिडिक मीडियम में ही एक स्टेप बढ़ा दिया करो आप, एसिडिक मीडियम से करके फिर एक स्टेप OH ना। नेगेटिव बढ़ा दिया करो। तो बेटा आज मैं दूसरा एक स्टार्ट करने जा रहा हूं चैप्टर आपका, ये आपका है स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें बेटा हम पढ़ेंगे गैसियस स्टेट, वैसे आपकी 3 स्टेट है सिलेबस में, गैस भी है लिक्विड भी है सॉलिड भी है, लेकिन पहले हम पढ़ रहे हैं गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में
सबसे पहले आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस, कोई भी गैस है उसका आइडियल बिहेवियर कब होता है, कब बोलते हैं। तो जो भी इक्वेशन एनी गैस ओबे ये वाली प्रॉपर्टी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी कंडीशन में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आता है तो उसको हम उस गैस का बिहेव आइडियल बोलते हैं। एक्चुअली पीवी एनआरटी का मतलब क्या है कि सपोज हमने एक सैंपल लिया बेटा, ये गैस किसी मान लो किसी कंटेनर में आपने गैस रख दी है और गैस की प्रॉपर्टी होगी, गैस का कुछ ना कुछ अमाउंट तो होगा ना, एन अमाउंट मतलब मोल, मोल ऑफ गैस अमाउंट होगा गैस का। अगर अंदर गैस है तो जिस कंटेनर में रखा हुआ है उसका कुछ वॉल्यूम भी होगा तो वॉल्यूम, और गैस इधर उधर जाएगी दीवार पर टकराएगी प्रेशर राइज करेगी तो प्रेशर भी होगा, और जिस टेम्परेचर पर आप नोट कर रहे हो क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वॉल्यूम और प्रेशर बनेंगे तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा। तो एक गैस की चार प्रॉपर्टी होती है पीवी और आरटी। अगर किसी भी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कर दें मैथमेटिकली और नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर, टेम्परेचर लेकिन केल्विन में होना चाहिए, टेम्परेचर इन केल्विन, उसका मल्टीप्लाई कर दें तो इनका रेशियो हमेशा एक कॉन्स्टेंट आएगा। और ये किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, कोई भी गैस है उसके प्रेशर और वॉल्यूम और अमाउंट और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो कॉन्स्टेंट आएगा, इसलिए इस कॉन्स्टेंट को आर या हम बोलते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ आप ये चीज इतनी ही आएगी, इसको बोलते हैं इसलिए यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। तो किसी भी गैस के पीवी और एनटी का रेशियो एक कॉन्स्टेंट आर के बराबर आ जाए उसी को फिर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बोलते हो, देन यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आ जाए, एक फिक्स वैल्यू आ जाए आर की। ये फिक्स वैल्यू क्या हो सकती है आर की अलग अलग यूनिट के अंदर, तो आ सकती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल या 0.0821 एटमोस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल या अप्रोक्सीमेट 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल आ जाए, ये आर की वैल्यू होती है। किसी भी गैस का पीवी और एनटी का रेशियो आर की वैल्यू मतलब इस यूनिट में इतना आ जाए, इस यूनिट में इतना आ जाए और इस यूनिट में इतना आ जाए तो वो कॉन्स्टेंट है और वो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट के बराबर आ रहा है, तो इट मीन्स उस गैस का बिहेव जो है वो आइडियल है। पीवी इज इक्वल टू एनटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाए तो उस बिहेव को हम आइडियल कहेंगे और यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट का वैल्यू ये होगा। क्लियर, यहां तक कोई डाउट किसी को? किसी भी गैस का प्रेशर वॉल्यूम और एन और टी का रेशियो कांस्टेंट आ जाए, आर कितना वैल्यू जूल में 8.314 आ जाए, एटमोस्फेयर लीटर में निकालें तो 0.0821 आ जाए और कैलोरी में निकालें तो 2 आ जाए, सारी वैल्यू सेम है सिर्फ यूनिट अलग अलग होने से अलग अलग दिख रही है, तो हम कहते हैं कि उस गैस का बिहेव जो होता है आइडियल होता है। इस हिसाब से अगर वॉल्यूम मेजर करोगे आप, मूल कंसेप्ट में मैंने बताई ये बात, किसी भी गैस का वॉल्यूम मेजर करोगे आइडियल गैस का तो वॉल्यूम ऑफ वन मोल आइडियल गैस, अगर गैस आइडियल है पीवीजी एनआरटी को फॉलो कर रही है तो किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर मेजर करें, वॉल्यूम ऑफ वन मोल आइडियल गैस मेजर करें एट एनटीपी, बताया होगा बेटा पहले मैंने एनटीपी का मतलब क्या लोगे, एट एनटीपी, एनटीपी का मतलब कितना टेम्परेचर, जीरो केल्विन, ऑलवेज जीरो केल्विन, और प्रेशर कितना होना चाहिए 1 atm। तो किसी भी गैस का वॉल्यूम वन मोल गैस का वॉल्यूम एनटीपी पर मेजर करोगे तो ये फिक्स आएगा 22.4 लीटर, कितना आएगा 22.4 लीटर कब, किस कंडीशन, 4 लीटर किस कंडीशन पर, याद रखना बेटा कंडीशन एनटीपी पर वन मोल गैस को, इसलिए इसको हम मोलर वॉल्यूम बोलेंगे, गैस को बोलेंगे मोलर वॉल्यूम, फिक्स रहता है हमेशा, मोलर वॉल्यूम या वी एम लिख देंगे, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी बिकॉज फिक्स रहेगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
फिक्स रहती हैं चीजें, गैस कितनी भी हो, लेकिन आपने अगर आइडियल बिहेव कर रही है, वन मोल गैस ले लिया तो उसका वॉल्यूम इतना ही आएगा 22.4 लीटर। अगर वो थोड़ा सा आपका चेंज कर दे बेटा, वो कह दे कि वॉल्यूम ऑफ वन मोल आइडियल गैस एट एसटीपी, अगर उसने एसटीपी बोल दिया तो एसटीपी का मतलब भी टेम्परेचर तो जीरो केल्विन नहीं है, टेम्परेचर आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर जो है वो जीरो केल्विन नहीं है, प्रेशर आपका वन बार हो जाएगा, प्रेशर जो है आपका वन बार हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम आपका आएगा एसटीपी पर पूछेगा एक्चुअल वॉल्यूम आएगा 22.7 लीटर। तो एसटीपी पर पूछेगा तो 22.7 लीटर, लेकिन आपका एनटीपी पर कहेगा तो 22.4 लीटर आएगा। तो किसी भी गैस का ये प्रॉपर्टी है, तो जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सोल्व करें तो हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लेके बेटा सोल्व करेंगे, जब भी हमें सॉल्यूशन करना होगा तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लेके सोल्व करेंगे, जब भी क्वेश्चन है इसी से हम बोल देते हैं, हम बोल देते हैं लॉ या रूल्स फॉर आइडियल गैस। तो लॉज जो बनाने हैं आपके पास टोटल बेटा फोर प्रॉपर्टी है, आपके पास फोर प्रॉपर्टी हैं, अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। इन फोर प्रॉपर्टी को आप रिलेट करते हो किसी भी दो प्रॉपर्टी को, इट मींस आप लॉज पढ़ रहे हो, कोई भी दो प्रॉपर्टी जैसे नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम, सपोज हम रिलेट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम में रिलेशन देखेंगे तो पी और टी को हम कॉन्स्टेंट कर देंगे, या हम प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन देख रहे हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम में देखेंगे तो एन और टी को कांस्टेंट कर देंगे तो लॉ बन जाएगा। इसी टाइप से आप वॉल्यूम और टी में रिलेशन देख रहे हो तो लॉ बन जाएगा, प्रेशर और टी देख रहे हो तो लॉ बन जाएगा। तो इस टाइप से अगर दो प्रॉपर्टी में कोई भी हम रिलेट करते हैं तो एक लॉ बन जाता है, जैसे एन और वी ए लॉ बन गया, पी और वी बी लॉ बन गया, वी और टी सी लॉ बन गया, पी और टी डी जी लॉ बन गया। यहां एक कुछ मतलब लिखा है मैंने, मैंने जो ए लिखा है ए का मतलब बेटा एवोगैड्रो लॉ बन गया, एवोगैड्रो। तो एवोगैड्रो किस किस के बीच रिलेशन आ रहा है बेटा, देखो एवोगैड्रो किस किस के बीच में बताया मैंने, एन और वी में। तो आप इक्वेशन बनाओ, देखो आपकी इक्वेशन तो क्या है, न्यूमेरिकल तो इसी से सोल्व करोगे ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आप किसके बीच रिलेशन देखना चाहते हो बेटा, देख लो पी और वी और एन, तो V और N में V को इस तरफ रखो, N को यहां रखो, बाकी सारी चीज इधर ले जाओ, तो आर टी अपॉन P हो गया, V इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन P। जब P और V में रिलेशन करोगे V और N में तो आप बाकी कांस्टेंट कर दोगे, तो कांस्टेंट क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एवोगैड्रो रूल में टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा और V के बीच रिलेशन आएगा, तो R तो पहले ही कांस्टेंट था बेटा, अब T और P भी कांस्टेंट कर दिया तो तीनों कांस्टेंट मिला के एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं। तो मैं लिखूंगा V इज इक्वल टू N, ये K कोई कांस्टेंट है, ये K कांस्टेंट है कोई, और इस कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर आएगी कैलकुलेट करनी है तो बेटा ऊपर वाले फार्मूले से, यहां पर इस कांस्टेंट की वैल्यू K जो आएगी वो किसके बराबर होगी, आर टी अपॉन P। तो अब देखो V और K कांस्टेंट हो गया, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, V इज इक्वल टू K कोई कांस्टेंट है इनटू N, तो ये तो एक इक्वेशन होती है ना, Y इज इक्वल टू MX। अगर मैं Y एक्सिस पर V ले लूं और X एक्सिस पर N ले लूं तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो इसका मतलब V और N का ग्राफ लूंगा तो V और N स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से आएगा, V और N। तो अगर आप किसी भी कांस्टेंट टेंपरेचर और प्रेशर पर गैस के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते रहो, जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होते जाएंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जाएगा, V और N स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, V और N। हाँ, ये जो M होगा ये क्या होगा, M एक कांस्टेंट की वैल्यू होगी, इससे आप K निकालोगे तो M स्लोप होता है, तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा थीटा आएगा, उससे आप इसका स्लोप निकालते जाओगे, और स्लोप क्या होता है फार्मूला बेटा, टेन थीटा, टेन थीटा, जितना एंगल ज्यादा आता जाएगा स्लोप ज्यादा आता जाएगा। अब इस ग्राफ को मैं ऐसे भी तो दे सकता था बेटा, देखो
कोई ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे आपके पास, जैसे एवोगैड्रो रूल में वी और एन का रिलेशन दोगे तो आप सीधा दे दोगे। अब वी और एन में मान लो मैंने ऐसे ग्राफ दे दिया, मैंने ऐसे कर दिया और मैंने ये बोल दिया कि भाई एक ग्राफ ऐसे आया और एक ग्राफ ऐसे आया, ये पी वन पे ग्राफ बनाया मैंने प्रेशर और ये पी टू पे ग्राफ बनाया। अब इधर से वी और एन ग्राफ जो थी, वैल्यू जो थी वो वी और एन के बीच थी, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पी वन और पी टू है, तो बताओ पी वन ज्यादा होगा या पी टू ज्यादा होगा। तो ये किस चीज से देखोगे आपके, देखो एक का थीटा इतना आएगा पी टू वाले का, और पी वन वाले का थीटा कितना आएगा, इतना आएगा। तो इसका मतलब स्लोप किसका ज्यादा हुआ बेटा, स्लोप का मतलब स्लोप टेन थीटा मतलब के, तो के किसका ज्यादा होगा, मैं ये कह सकता हूँ जिसका स्लोप ज्यादा है पी वन का ज्यादा है ना, तो पी वन वाले का स्लोप ज्यादा आ रहा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा है तो हम यहाँ कह देंगे कि पी वन यहाँ पर। अब के की वैल्यू, अब इधर देखो, अब के की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, फार्मूला देखो k इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका k ज्यादा हो गया, जिसका स्लोप ज्यादा हो गया उसका k ज्यादा हो गया, और जिसका k ज्यादा होगा उसका p क्या होगा, रिलेशन देखो कम होगा, कम होगा। इसका मतलब स्लोप किसका ज्यादा दिखाई दे रहा है, ये वाला थीटा टू वाला स्लोप ज्यादा है, थीटा टू वाला स्लोप ज्यादा है, तो उससे रिलेटेड प्रेशर क्या होगा हमारा, के और आर टी पी इधर आ जाओ, तो इसका मतलब पी वन और पी टू में बड़ा कौन हुआ। अब आंसर प्रेशर का देना है बेटा, पी टू बड़ा हो गया ना, क्योंकि जिसका स्लोप कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा आएगा, के इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी। तो अगर मैं पी वन, हाँ तो अगर इस ग्राफ में मैं P2 से P1 की तरफ जाऊं तो प्रेशर बढ़ रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज हो रहे हैं, क्यों प्रेशर डिक्रीज हो रहे हैं, ड्यू टू स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन K, क्योंकि K इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी होता है, क्लियर। तो ग्राफ ऐसे बनाने हैं। अगर मान लो मैं ऐसे क्वेश्चन दे देता हूँ बेटा, देखो एवोगैड्रो रूल में आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ग्राफ बिटवीन लॉग वी वर्सेस लॉग एन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, सपोज ये ग्राफ देना है मुझे, तो मैं इक्वेशन वही लूंगा पीवी इज इक्वल टू क्वेश्चन, आपको रूल वूल कुछ ध्यान नहीं देना, आपको तो आइडियल गैस इक्वेशन उठानी है जब भी प्रॉब्लम आए, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, जिसके बीच आपने ग्राफ खींचना है वो रख लो, बाकी सब दूसरी साइड ले जाओ, V इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी। आपको ग्राफ किस किस के बीच में पहले लेना है, देखो V और N के, तो इसका मतलब आर टी अपॉन पी को शॉर्टकट में हम क्या लिख देते हैं, कॉन्स्टेंट के, है ना, थोड़ा इजी काम हो जाएगा हमारा। अब बेटा अगर हमने कॉन्स्टेंट के इसको कर दिया तो हमारे लिए एक इक्वेशन बन जाएगी, v इज इक्वल टू एन के या के एन, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो लॉग v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, लॉग के एन, k और n की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, लॉग v इज इक्वल टू लॉग k प्लस लॉग n हो गया। अब इक्वेशन बन गई हमारी, अब ये इक्वेशन क्या बन गई, देखो ये y इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो c प्लस m x, y पर आ जाएगा log v और log n आ जाएगा x पर, तो आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है तो स्लोप 1 आ जाएगा। तो ग्राफ कैसे खींचोगे, देखो अब खींचा जाएगा तो इसी केस में log v y एक्सिस पर और log n x एक्सिस पर। अब देखो इंटरसेप्ट आ गया, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटरसेप्ट का मतलब हो गया मेरा ये ग्राफ ये जीरो पॉइंट होता है तो इससे ऊपर उठता हूं, यहां से कहीं से ग्राफ उठाऊंगा y एक्सिस से जाएगा, y एक्सिस से, और स्लोप भी देखो पॉजिटिव है, ऊपर की साइड जाएगा इसका, ऐसे ग्राफ तो मेरा ये ऐसे ग्राफ आएगा। इसमें क्या क्या वैल्यू मिलेंगी, देखो ये वाली जो वैल्यू है बेटा, ये वाली ये किस वैल्यू, ये लॉग के की, गुड, क्योंकि इंटरसेप्ट सी है, यहां से आप लॉग के की वैल्यू निकाल सकते हो, लॉग के का मतलब है लॉग, और k की वैल्यू ये देखो ऊपर लिख रखी है हमने आर टी अपॉन
पी, क्लियर। और ये स्लोप है बेटा, देखो ये स्लोप, तो और स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, स्लोप होता है टेन थीटा, और टेन थीटा यहां पर हम एम ले रहे हैं, और एम की वैल्यू देखो साफ दिख रही है आपको, कितनी आ रही है एम की वैल्यू यहां पर, वन, तो टेन थीटा, तो एम की वैल्यू वन, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वन, तो थीटा कितना आ गया इसका मतलब 45 डिग्री, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो टेन 45 आ गया यहाँ पर, तो ग्राफ में एंगल पूछा जाए तो आप एंगल इक्वेशन देख के बता सकते हो, कर लोगे बेटा, चलूं आगे। सपोज सपोज दूसरे रूल पे चलते हैं अपने, एवोगैड्रो, ए से एवोगैड्रो हो गया, बी से चलते हैं अपने बॉयल्स रूल, बी से सपोज बॉयल रूल, बॉयल्स रूल किसके बीच रिलेशन बताया था मैंने ऊपर देखा हो आपने, तो वी वर्सेस पी, जब वी और पी के बीच अपने रूल देखते हैं, वी और पी के बीच अगर ग्राफ बनाते हैं, इसका मतलब कांस्टेंट क्या रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर अमाउंट बी एन बी एट कांस्टेंट एन एंड तो बॉयल्स रूल आ जाएगा, तो बॉयल्स रूल में क्या है? देखो दोबारा उठाओ इक्वेशन, बाकी सब कुछ वही, पीवी इज इक्वल टू इक्वेशन तो वही उठाना है एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, रिलेशन चाहिए बेटा देखो आपको वी और पी में, तो इसका मतलब बाकी सारा हम कॉन्स्टेंट कर देते हैं, पीवी इज इक्वल टू ये एनआरटी को क्या ले लेते हैं कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट के ले लो, तो यहां ध्यान रखना है यहां हेयर के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास एनआरटी, यहाँ के की वैल्यू एनआरटी आ गई। अब बीपी इज इक्वल टू आपके पास कांस्टेंट सपोज के आ गया, तो ग्राफ खींचना चाहते हो सपोज आप वी और पी में, तो वी यहीं रखो, के इधर ले जाओ और पी इधर ले जाओ सपोज, ठीक है, तो ये जो ग्राफ आ रहा है वी इज इक्वल टू के और पी, तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर बेटा ग्राफ खींचोगे तो वी और पी के बीच ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो ग्राफ कैसा आएगा इसका, ऐसे करके आएगा, जैसे देखो इधर देखो मैं इधर चलता जा रहा हूं, इधर चलता जा रहा हूं तो प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन प्रेशर जितना प्रेशर कम हो रहा है उसी रेशियो में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो पी और वी के बीच बढ़ रहा है, तो P और V के बीच ग्राफ आपका बेटा ऐसा आएगा, सपोज मैंने कह दिया ऐसे थ्री ग्राफ बना दिए मैंने, वन टू थ्री, अब मैंने बेटा थ्री ग्राफ बना दिए और मैंने आपको कह दिया कि ये जो ग्राफ है ये अलग अलग टेम्परेचर पर है या अमाउंट पे है, कुछ भी ले लो, तो मैंने कह दिया ये N1 पर है, ये N2 पर है, ये N3 पर है, अब मुझे ये देखना है कि N1 N2 N3 में कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है, तो वापिस देखो PV इज इक्वल टू एन आर टी, तो वापिस इक्वेशन तो यही आया ना, ये Y इज इक्वल टू एम एक्स वाला, yes. M वापिस क्या आ गया स्लोप, और स्लोप कितना है K, और K किस पर डिपेंड कर रहा है एन आर टी पर, तो जिसका K ज्यादा आएगा स्लोप ज्यादा आएगा उसका N भी क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा स्लोप किसके वाले का आएगा जो ग्राफ ऊपर है एन थ्री, N3, तो इसका मतलब मैं इधर से इधर जा रहा हूं N1, N2, 3 से, अमाउंट क्या होती जा रही है अमाउंट विल बी इंक्रीज, तो आजकल क्या है इस टाइप से प्रॉब्लम पूछे जाने लगे हैं, दो तीन ग्राफ, पहले एक ही पूछा जाता था अब दो तीन ग्राफ हो गए, अब ऐसे ही मैं इस ग्राफ में बेटा आपसे ये बोल दूं कि आप इसके बीच ग्राफ बनाओ लॉग पी या लॉग वी वर्सेज लॉग पी, तो वापिस ये इक्वेशन उठाओ आप, तो PV इज इक्वल टू एनआरटी वाली, मतलब P इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट अपॉन P, क्या लिया था V लिया था V अपॉन P, ठीक है, दोनों साइड लॉग ले लो, तो लॉग V इज इक्वल टू लॉग कॉन्स्टेंट अपॉन P, तो राइट साइड को सोल्व करोगे मैथमेटिकली तो क्या बनेगा देखो बेटा, लॉग V इज इक्वल टू लॉग K माइनस लॉग P, तो ये देखो ये y एक्सिस y इज इक्वल टू ये कांस्टेंट c माइनस ये स्लोप 1, तो m और log p में ग्राफ x, इसका मतलब देखो अब की बार ग्राफ हमारा कैसा है, देखो ऐसे आएगा, इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव आ रहा है आपका,
तो इस साइड में ले लूंगा बेटा लॉग वी, इंटरसेप्ट आ गया पॉजिटिव, और स्लोप देखो कैसा आ रहा है, स्लोप नेगेटिव। तो यहां से ग्राफ लेके बेटा नीचे की तरफ ले जाना ग्राफ, स्लोप की बार डाउनवर्ड ले जाना, ऐसा ग्राफ आएगा। तो ये लॉग वी और लॉग ई के बीच ग्राफ आ, क्लियर। तो यहां बॉयल्स रूट पर हमारे देखो बहुत सारी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल भी बनते हैं, न्यूमेरिकल किस टाइप से बनते हैं, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेता हूं मैं आपसे। ले लो बेटा ले लो, अब न्यूमेरिकल किस किस टाइप से आएंगे, तो बड़े इंटरेस्टिंग से न्यूमेरिकल बनते हैं। इसमें न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको एक नॉलेज बताता हूँ, नॉलेज क्लाउड जो काम आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ही है हल्की फुल्की से इस चैप्टर में, बाकी इजी चैप्टर है। देखो बेटा, आपको मैंने बताया होगा कि 1 atmospheric प्रेशर जो होता है, 1 atm, जिसको हम नॉर्मल प्रेशर बोलते हैं, मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में बताया होगा, नॉर्मल प्रेशर 1 atm होता है। मतलब हमारा जो एटमोस्फेयर है, हमारी अर्थ का एटमोस्फेयर है, वो जितना प्रेशर डाल रहा है उसको 1 atm बोलते हैं। और 1 atm प्रेशर में इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो, 76 centimeter ऑफ मरकरी के बराबर होता है। yes, 76 centimeter ऑफ मरकरी, या कई बार आप बोल देते हो 1 centimeter में 10 mm होते हैं, देन यू कैन से दैट 760 mm ऑफ मरकरी। इसको हम टोर भी बोल देते हैं, इसको इसी को टोर, 7 mm ऑफ मरकरी, 1 mm ऑफ मरकरी एक टोर के बराबर है, तो 760 टोर भी बोल देते हैं। तो इस बात का मतलब क्या होता है, जरा देखो फिर, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं अपने कोई एक बर्तन लेते हैं और बर्तन में बेटा मरकरी रख देते हैं, या मरकरी रख दिया, और यहां पर एक कोई ग्लास की ओपन ट्यूब नीचे माउथ करके हम रख देते हैं इसके ऊपर, ये ग्लास जैसे टेस्ट ट्यूब, तो आप देखोगे कि यहां जो प्रेशर लग रहा होगा एटमोस्फेयर का, कितना प्रेशर लगेगा, वो तो 1 atmosphere है तो 1 atm प्रेशर लगेगा। जैसे मान लो एक डनलप के गद्दे पर आप कूद जाओ, तो जिस साइड आप अपना प्रेशर डालोगे नीचे की साइड दबाएगा, तो दूसरी साइड से गद्दा ऊपर उठ जाता है ना, तो जैसे ये 1 atm प्रेशर इस मरकरी पर पड़ेगा, तो इधर मरकरी पर प्रेशर पड़ेगा, तो मरकरी इधर जगह होगी, इधर चढ़ जाएगा ऊपर, यहां मरकरी आ जाएगा। तो मरकरी ने कितनी हाइट पकड़ी 1 atm प्रेशर पर, वो हमने प्रैक्टिकली नोट की। तो अगर वो प्रैक्टिकली नोट की तो पता चला कि वो 76 centimeter हाइट पकड़ता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि 1 atm इज इक्वल टू कितना, 76 centimeter मरकरी होता है। लेकिन बेटा अगर मरकरी की जगह आपने और कोई लिक्विड कर दिया, तो फिर आप उसको सोल्व करके निकाल सकते हो या प्रैक्टिकल करके निकाल सकते हो कि वो कितना जाएगा। जैसे जनरली वाटर की बात आती है, और इवन कोई भी लिक्विड निकाल सकते हो, इसलिए सिर्फ 76 centimeter कहना गलत होता है, एंड यू शुड से 76 centimeter ऑफ मरकरी, यू शुड कंप्लीट द वर्ड 76 centimeter ऑफ मरकरी। सपोज मैं क्या करता हूं, वाटर रख देता हूं मरकरी की जगह, वाटर रख देता हूं, या वाटर रख दिया, कोई भी लिक्विड रख सकते हो, मैंने मरकरी हटा करके वाटर रख दिया, अब मरकरी की जगह क्या रख दिया मैंने, किसको रख दिया बेटा, वाटर, वाटर। अच्छा वाटर जाएगा, तो वाटर देखो अब क्या ऊपर चढ़ेगा, कौन चढ़ेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर, वाटर, वाटर। तो ये प्रैक्टिकल करके देखा गया, तो अगर 1 atm प्रेशर हो, अभी वाटर तो प्रैक्टिकल नहीं करके देख सकते, लेकिन हैंडपंप वाला एग्जांपल ले सकते हैं, हैंडपंप में जो प्रेशर लगाते हो ना, वो 1 atm प्रेशर मैक्सिमम लगा सकते हो, गिरने से 1 atm प्रेशर लगता है, जैसे ही प्रेशर लगता है तो पानी ऊपर चढ़ता है। तो आप देखोगे जो वाटर है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी मरकरी से बहुत कम है, ये जो आ जाएगा आप इसमें निकालोगे तो 1 atm अप्रोक्सीमेट 10.3 meter आ जाएगा। कितनी हाइट आ जाएगी, 10.3 meter, मतलब 10.3 meter का अंदाजा लगा लो कितना, 30 फीट तक हो गया। तो किसी हैंडपंप की जो हाइट रख सकते, अंदर से जो पानी खींचता है, गहराई जो है वो आपका लगभग इतने फीट तक होगा, 30 फीट तक, 10.3 meter। तो इसका मतलब वाटर का कंपेयर करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1 atm इज इक्वल टू
10.3 मीटर अप्रोक्सीमेट 10 मीटर भी बोल सकते हो ऑफ अब मर्करी नहीं लिखूंगा फिर क्या लिखूंगा H2 अगर आपको कभी कैलकुलेट करना हो ये तो चलो H2 दे दिया मान लो और कोई लिक्विड दे दिया तो इसके लिए आप हमेशा क्या करो फॉर कैलकुलेशन जो है बेसिक आप हमेशा मर्करी को लो ये फिजिक्स की बात है वैसे लेकिन बता रहा हूं मैं आपको फॉर कैलकुलेशन जब भी करना हो फ्लूइड फिजिक्स में पढ़ते हो तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा बेटा HDG तो किसी की भी हाइट डेंसिटी और ग्रेविटी किसी भी फ्लड फिजिक्स में जो इनका मतलब ये प्रेशर ही होता है HDG किसी भी एक लिक्विड का लिक्विड वन इज इक्वल टू कर दिया करो HDG लिक्विड टू जो भी लिक्विड मिल जाए आपको HDG लिक्विड टू कैसे ये देखो बेटा अब मान लो आपने क्या कर लेते हैं एक ले लेते हैं मरकरी तो वन एटमोस्फेयर पर बेसिक ले लेते हैं वन एटमोस्फेयर हमारे एटमोस्फेयर पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो मरकरी रख दिया वन एटमोस्फेयर तो वर्ल्ड मरकरी कितनी हाइट पकड़ेगा बेटा मरकरी कितनी सेंटीमीटर या सेंटीमीटर 76 मरकरी का डेंसिटी याद होना चाहिए 13.6 ग्राम पर सीसी होता है और ग्रेविटी जी लगती है वो तो सब पे सेम ही लगेगी ग्रेविटी इज इक्वल टू मैंने दूसरा ले लिया वाटर और कोई भी ले सकते हो डेंसिटी पता होनी चाहिए बस लिक्विड की तो वाटर की हाइट मुझे सपोज निकालनी है वाटर कितनी हाइट पकड़ेगा 1 एटीएम में तो एच डेंसिटी वाटर की पता होगी बेटा आपको 1 ग्राम पर एमएम और ग्रेविटी कितना होता है जी रहता है ग्रेविटी तो हमारे पास वो तो सब पे सेम लगना है तो इससे देखो हाइट कैलकुलेट हो जाएगी ना वाटर की हाइट H2 वाटर के केस में कितना आ जाएगा निकालो जरा देखो 13.6 इंटू 76 तो 6636 ये कितना आ गया 6 3 18 कितना आ गया जरा देखो आ गया 103.36 सेंटीमीटर नहीं सर 1033.6 यस सर 1000 सेंटीमीटर अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा एक मीटर में कितना होता है एक पॉइंट भी लगा हुआ है देखो अब ये तो सेंटीमीटर में आया अगर मीटर करूंगा तो इतना ही तो आएगा बेटा मीटर का मतलब 10.36 मीटर तो हमने कितना ले लिया 10.3 मीटर तो अब आपने हमेशा याद रखना है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है वाटर पर तो 1 एटीएम इज इक्वल टू मरकरी का हाइट कितना होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी लेकिन अगर वाटर हो तो कितना लोगे बेटा 1.3 मीटर ऑफ H2 10.3 मीटर ऑफ H2 तो ये आपको कुछ बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए तो उससे क्या है कि नोमेरिकल बड़ी इजीली बनेंगे अब जैसे नोमेरिकल डिस्कस करता हूं मैं आपसे सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया मैंने आपको बोल दिया कि ये एक पोंड है पोंड में वाटर है और वाटर की जो हाइट है ये h वो हाइट है सपोज 10.3 मीटर यहां पर एक बबल रखा हुआ है एयर बबल है एयर भरी हुई है बबल में ये आपका एयर बबल है और इस एयर बबल का वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम ये सपोज एयर बबल का जो वॉल्यूम है वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब ये बबल यहां से मूव करके यहां पहुंचता है इस जगह पे आता है मूव करता है यहां पर मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ बबल एट बॉटम
अब इस तरह का प्रॉब्लम दे दिया बेटा मैंने आपको, बाहर टेम्परेचर कांस्टेंट है और बबल जो है ब्रेक नहीं हुआ है, अमाउंट कांस्टेंट है। इफ अमाउंट ऑफ बबल्स, मतलब गैसियस अमाउंट जो अंदर एयर है, एयर अमाउंट ऑफ बबल रिमेन सेम, ये कंडीशन है। तो इसका मतलब बेटा हमें तो ये पता है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इस केस में देखो कांस्टेंट क्या क्या आ रहा है, टी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट होगा, बबल जो है फूटा नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ है, तो एन भी कांस्टेंट, तो एनआरटी कांस्टेंट हो गया सब। तो इसका मतलब वेरिएबल कौन हुए, पी और वी, तो पी वी क्या रहेगा हमेशा कांस्टेंट। तो जो इनिशियल पी आई वी आई होगा वो फाइनल पी आई वी आई के बराबर होगा, और ये सब कांस्टेंट किसके बराबर होगा, एनआरटी के, कांस्टेंट रहेंगे चीजें। अब पॉइंट आता है कि मुझे इनिशियल प्रेशर देखना है बेटा, तो इनिशियल प्रेशर देखो कितना आएगा पी आई, इनिशियल प्रेशर में बबल ये रहा आपका सरफेस पर है, तो पी आई, तो प्रेशर ऑन बबल एट सरफेस, सरफेस पे तो सिर्फ एयर का प्रेशर लग रहा होगा उसके ऊपर, वो कितना आएगा 1 atm, क्लियर 1 atm। अब ये बबल्स जब पहुंचेगा बिल्कुल नीचे यहां पहुंच जाएगा बेटा, तो फाइनल प्रेशर क्या आएगा, देखो मेरे पास फाइनल प्रेशर, तो फाइनल प्रेशर जो लगेगा, एक तो एयर का प्रेशर तो लग ही रहा है, प्रेशर ऑफ एयर एटमोस्फेयर का प्रेशर तो लग ही रहा है, प्लस दूसरा किसका प्रेशर लग जाएगा उस पर, वाटर का, वाटर। तो प्रेशर जो होगा यहां पर, ये कब देख रहे हैं प्रेशर फाइनल कहां है, ये है प्रेशर ऑन बबल्स, कहां पहुंच जाएगा जब वो एट बॉटम, तो बबल्स एट बॉटम। अब देखो जो फाइनल प्रेशर मेरे पास क्या है, एयर का प्रेशर तो फिक्स है, वो कितना लगेगा 1 atm, प्लस वाटर का प्रेशर कितना लग रहा है हाइट के रेफरेंस में 10.3 meter, और 10.3 meter को ही क्या लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 10.3 meter किसका है, वो ऑफ वाटर, 10.3 meter ऑफ वाटर है, तो रेफरेंस एटमोस्फेयर ही ले लें, तो वी नो दैट अभी पढ़ के आए हैं, 10.3 meter ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 1 atm एयर की टर्म में, तो प्रेशर पता लग गया ना मैं फाइनल प्रेशर, तो एटीएम की टर्म में ये भी 1 atm हो गया और ये भी 1 atm हो गया, तो टोटल प्रेशर कितना बन गया मेरे पास पॉन्ड में 2 atm। तो अब लगा सकते हैं ना अपने फार्मूला, क्या लगाएंगे अब देखो, 100 पी इनिशियल, वी इनिशियल, पी फाइनल, वी फाइनल, पी इनिशियल कितना लिखूंगा 1 atm, वॉल्यूम कितना है मेरे पास स्टार्टिंग में 500 cm³, पी फाइनल कितना हो गया मेरे पास टोटल बबल्स पर 2 atm इनटू वी फाइनल मुझे कैलकुलेट करना है, तो वी फाइनल कैलकुलेट हो गया बेटा देखो 250 cm³। कई बार तो बहुत इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ही विल से व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल्स एट द बॉटम इंक्रीज और डिक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे अंदर जाओगे तो प्रेशर तो इंक्रीज होता जाएगा ना, पानी वाला प्रेशर भी लगेगा उसके ऊपर, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, तो आंसर हमारा डिक्रीज आ गया। क्लियर? यस सर। चले आगे चले बेटा। यस सर। देखो फिर दूसरे टाइप के प्रॉब्लम कैसे आएंगे, तो इसमें आपको प्रैक्टिस जितनी प्रॉब्लम की करोगे न्यूमेरिकल की, बस फर्स्ट चैप्टर में मोल में थोड़ा आप कैलकुलेशन सीख गए ना, आगे वाली कैलकुलेशन में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर देखो सपोज मैं कहता हूं कि ए गैस बिहेव आइडियली, ए गैस बिहेव आइडियली, व्हाट हैपन
with its volume on increasing 5% pressure. A gas behave ideally. What happened with its volume on increasing 5% pressure? If amount and temperature remain constant. बेटा ऐसा प्रॉब्लम दे दिया मैंने आपको. तो ए गैस बिहेव आइडियली, आइडियल गैस बिहेव कर रहा है. मैं कह रहा हूं कि उसका मैंने प्रेशर 5% इंक्रीज कर दिया, तो वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? पहला पॉइंट तो ये है. तो बेटा पहला पॉइंट तो क्लियर है कि वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज जाएगा. सर डिक्रीज होगा, डिक्रीज. हाँ इतना तो क्लियर हो गया बेटा. अब प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये क्लियर है कि वॉल्यूम डिक्रीज होगा. लेकिन जब डिक्रीज हो तो 5% प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम 5 डिक्रीज नहीं होगा, वैल्यू वो नहीं आएगी. रेशियो होता है, वैल्यू नहीं होता. 5% आंसर नहीं दे रहा हूं, 5% ऑप्शन होगा. तो ये जो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर डिक्रीज है तो थोड़ा सा स्लाइटली 5% से कम होगा आंसर जो आएगा. जो 5% से थोड़ा सा कम आंसर हो वो दे दोगे. तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा लेकिन कितना होगा, लेस देन 5%, क्योंकि कैलकुलेशन बताएगी. ये तो कैलकुलेशन होती है इतनी, कोई 5% एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है, इस बात का मतलब ये नहीं है कि वो जितना परसेंट बढ़ेगा घटेगा. ये जरूरी थोड़ी ना, दोनों बातों में बहुत फर्क है मैथमेटिकली. ये जरूर है कि प्रेशर बढ़ रहा है और दूसरा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. लेकिन अब इन केस में कहता ना 5% डिक्रीज कर दो तो वॉल्यूम का आंसर अगर अंदाजा लगाओ क्या आता. अगर मैं कहता प्रेशर 5% इंक्रीज की बजाय मैं कह देता डिक्रीज कर दो तो आपका आंसर क्या होता, वॉल्यूम क्या होता, इंक्रीज मोर देन 5%. कैसे? देखो ये तो हो गया ट्रिक से सॉल्व कर दिया. अब मैथमेटिकली प्रूव करो इसको. देखो कैसे हुआ, हमारे पास फार्मूला तो वही लगेगा बेटा, पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल. सपोज पी इनिशियल हम 100 ले लेते हैं, 100 पी, और वॉल्यूम ले लेते हैं वी, तो P फाइनल कितना हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाया 5% तो इजी हो गया हमारे पास 100 5P हो गया प्रेशर, 5% इंक्रीज किया, पहले 100 था अब 105 हो गया. और V फाइनल हमें नहीं पता तो V फाइनल निकाल लो बेटा. तो V फाइनल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P से P कैंसिल, तो V फाइनल कितना आएगा देखो, 100 V डिवाइडेड बाई 105. तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 20/21 वी आ गया. अब 20/21 वी आ गया तो वी फाइनल, तो अब मैं इसका चेंज निकालता हूं, वॉल्यूम का चेंज कितना आया, डेल्टा वी, वी इनिशियल ज्यादा है और वी फाइनल कम है, तो वी आई माइनस वी एफ, वी एफ आ गया. मुझे चाहिए परसेंटेज चेंज का, परसेंटेज चेंज का चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा उसको, मुझे परसेंटेज चेंज का चाहिए तो परसेंटेज डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, तो क्या फार्मूला बनेगा, चेंज इन वॉल्यूम डिक्रीज हुआ डेल्टा वी कितने में से, वी इनिशियल में से इनटू 100. तो देखो डेल्टा वी क्या आ जाएगा मेरे पास, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल इंटू 100. ठीक है, तो अब मेरे पास देखो इसको और सोल्व कर लेंगे तो अपने पास वी इनिशियल मतलब वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल इंटू 100. ये तो आपकी कैलकुलेशन आ रही है ना, तो कैलकुलेशन क्या आई देखो, परसेंटेज डिक्रीज इधर कर देते हैं, तो 1 माइनस वी फाइनल कितना आया था हमारा, 20V/21 और V इनिशियल कितना था, V इंटू 100. अब ये इसको सोल्व किया तो 1/21 × 100, तो 100 अपॉन कितना आ गया, 21. 100 को 21 से जरा बेटा डिवाइड करना, 4 point कुछ समथिंग
फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, सिक्स तीन, तो सिक्सटी पे चला गया, तो एट सेवन या कुछ आ गया जो भी सेवन सिक्स, तो देखो कितना आया आंसर, कितना आया आपका फाइव थोड़ी आया आंसर, कितना आया। तो मैथमेटिक्स अलग चीज है बेटा, मतलब कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब वैल्यू थोड़ी सेम होगी, वैल्यू सेम नहीं आएगी। 5% है तो डाउन जाओगे तो 5 से कम आएगा वो, अगर अबो होता तो ज्यादा आता, इनवर्सली का मतलब यही होता है। क्लियर? तो न्यूमेरिकल करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक ही ऑप्शन हो तो वही कर लेना टिक, दो ऑप्शन भी हो जो थोड़ा सा नीचे हो 5% से, तो लेस देन 5% में भी स्लाइट लेस देन 5% सोचा करो। क्लियर बेटा? किसी को डाउट? नो सर। अगर मैं इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे कह देता, ए गैस बिहेव आइडियली, व्हाट हैपन विद इट्स वॉल्यूम ऑन डिक्रीजिंग 4% प्रेशर, क्या आंसर देते? फटाफट आंसर दो सर। बेटा चलूं आगे? यस सर। अगर आपको इस टाइप का प्रॉब्लम आ जाए कि ये आपका एक टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में यहां मरकरी रखा हुआ है, सपोज मरकरी की लेंथ है बेटा 8 सेंटीमीटर और यहां एयर है अंदर नीचे, यहां एयर भरी हुई है, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ये क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज है इसका ए सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने अब इसी एयर को, इसको मैंने ऐसे करके रख दिया, टेस्ट ट्यूब को हॉरिजेंटली ऐसे रख दिया, उसी टेस्ट ट्यूब को तो हॉरिजेंटली रख दिया, तो जैसे ही हॉरिजेंटली रखूंगा माउथ ऊपर की साइड है, ओपन माउथ, ओपन माउथ अपवर्ड, जैसे ही मैं अब ऊपर करूंगा तो मरकरी जो होगा वो नीचे नहीं बैठता, मरकरी ऊपर की साइड उठता है, ओपन माउथ की तरफ जाएगा मरकरी, तो मरकरी उठ के यहां आ गया। मरकरी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है ही, तो अब मुझे बताओ जो ये है एयर कॉलम जो यहां होगा, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एयर कॉलम, मतलब क्या फर्क पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये निकालना है, सपोज L1 निकालना है आपको, तो इसका मतलब बेटा चेंज वही है। सर एक मिनट दोबारा क्वेश्चन समझा दीजिए। मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में मरकरी डाला, मरकरी जो है ओपन माउथ की तरफ रहता है हमेशा, 8 सेंटीमीटर लेंथ पे मरकरी आ गया और नीचे जो खाली जगह है, खाली कुछ नहीं होता, उसमें एयर भरी हुई है, तो उस एयर की लेंथ है 10 सेंटीमीटर और मरकरी की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और मैंने उसको ऐसे होराइजेंटल फॉर्म में रखा हुआ है। अब मैंने इसको वर्टिकली कर दिया, वर्टिकल कर दिया उसी टेस्ट ट्यूब को, तो टेस्ट ट्यूब में जो नीचे की साइड एयर है उसकी लेंथ में, मतलब एयर कॉलम की लेंथ में क्या फर्क आएगा, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एयर कॉलम, ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे बेटा? तो एयर ही तो है, ये वाली एयर है, तो एयर है तो एयर का मैं क्या कर लूंगा, यहां पर पी इनिशियल और वी इनिशियल निकाल लूंगा, तो पी इनिशियल और इनिशियल निकालोगे तो एयर पर, यहां पर देखो जो मरकरी होरिजेंटल होती है तो कोई भी इस एयर पर प्रेशर नहीं डालती, क्योंकि ये कंपोनेंट होते हैं ना, अगर ये कंपोनेंट होता है मरकरी का तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ऐसे कंपोनेंट किसी एंगल पर आएंगे तो वो इफेक्ट डालेंगे, ऊपर वाले पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं, अगर नीचे की साइड है एंगल तो नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। तो आप देखो, आप सोचो इस एयर को, इस एयर पर प्रेशर कितना लग रहा होगा बेटा, जो एयर का प्रेशर है बस वही तो लगेगा इस पर, आपका प्रेशर लगना चाहिए प्रेशर ऑफ एयर और प्लस प्रेशर ऑफ मरकरी। सर इससे पहले जो आपने भी पॉइंट बताया तो वो बता दें। आ जाएगा, अभी कंप्लीट होगा तो आ जाएगा। ये एंगल इनिशियल प्रेशर, अब यहां पर इनिशियल प्रेशर, प्रेशर
इनिशियल प्रेशर सपोज आपने निकालना है तो एयर का और मर्करी का प्रेशर काउंट करोगे ना आप, तो एयर के ऊपर, एयर का मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर तो हमेशा किसी चीज पर कितना लगता है, 180। लेकिन मर्करी का एंगल डिसाइड करेगा कि वो कितना प्रेशर डालेगा। मर्करी यहां पर 0 डिग्री एंगल पर है, यहां पर ये जो है कितने डिग्री एंगल है उसके साथ, 0। जब जीरो होता है तो प्रेशर 0 हो जाता है उसका, तो पी मर्करी का प्रेशर यहां पर 0 होगा, क्यों, बिकॉज कितने डिग्री पर है ये, 0 डिग्री पर। तो इस पर एयर कोलम का प्रेशर सिर्फ 180 लग रहा है। और वॉल्यूम निकालो वी इनिशियल, वो कितना आएगा, देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ले रहे हो आप, ए सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ कितनी ले रहे हो आप, 10। लेंथ तो एयर की लेनी है ना, तो कितना आ गया ये, ए इंटू 10, क्लियर। और 180 को आप कितना लिख सकते हो, ये भी तो लिख सकता हूं 180 को, 76 सेंटीमीटर मर्करी के टर्म में। अब आ जाओ, अब आपने क्या किया, इस ट्यूब को स्टैंड कर दिया, ऐसे वर्टिकल कर दिया, तो वर्टिकल में अब पी फाइनल निकालो, तो अगेन पी फाइनल क्या होगा बेटा, पी फाइनल जो होगा प्रेशर ऑफ एयर मतलब एटमोस्फेयर, एटीएम, एयर से कंफ्यूजन होगा, एटीएम करते जाओ आप, प्रेशर एटीएम प्लस प्रेशर ऑफ मर्करी, तो प्रेशर ऑफ मर्करी और एटीएम में देखो, अब देखो एयर का तो प्रेशर लगेगा ही लगेगा, माउथ ऊपर की साइड है, मर्करी भी तो अपना प्रेशर डालेगा इस पर, इस जगह पे प्रेशर चेक कर रहे हो आप, तो अब देखो अब एंगल कितने डिग्री हो गया, अब ये होराइजेंटल लाइन थी, इससे ये टेस्ट ट्यूब ऐसे खड़ी कर दी आपने, तो एंगल कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री एंगल होता है तो जितनी लेंथ होती है उतना आपका प्रेशर लगता है उसके ऊपर, तो इसका मतलब कितना हो गया, आप देखो प्रेशर एटमोस्फेयर कितना लगा रहा है, 180 या 76 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, और खुद डायरेक्ट मर्करी कितना लगा रहा है, 76 सेंटीमीटर नहीं, मर्करी की जो लेंथ है वो लगाएगा ना, वो ये मर्करी तो नहीं, यस सर, मर्करी की लेंथ लगाएगी, मर्करी की लेंथ कितनी है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर ऐड हो जाए, तो मैं यही कह रहा था, ये लाइन मैं जो लिख रहा था, मैंने कहा था कि अगर कैसे ऐसे रखते हो तो मर्करी का प्रेशर कितना लेते हो आप, 0 एंगल पर, फिर मैंने बोला था एंगल ऊपर उठने लगे, एंगल ऐसे ऊपर जाए, ऐसे करते करते यहाँ तक पहुंच जाए तो 90 डिग्री एंगल हो गया ना, तो प्रेशर क्या ऐड होंगे, प्रेशर क्या होंगे सर, ऐड होंगे एयर, जैसे मैंने यहाँ किया इस टेस्ट ट्यूब को देखो, इस टेस्ट ट्यूब में मर्करी जब सीधा खड़ा हो गया तो मर्करी ऊपर से नीचे ग्रेविटी के कारण ऊपर से नीचे एयर के ऊपर प्रेशर डालेगा, और एयर का प्रेशर लग ही रहा है। हाँ बोलो बेटा सर, अगर 90 डिग्री नहीं हुआ तब क्या करेंगे, cos theta 45 कंपोनेंट लेंगे, cos theta ले लेंगे ना, कंपोनेंट ले लेंगे, फिर उतना आगे नहीं ले जा रहा हूं क्योंकि फिर फिजिक्स की बातें आ जाएंगी ना, तो मैं केमिस्ट्री तक ही इसको टच करा रहा हूं, इसलिए मैं उस तरफ नहीं ले जा रहा, तो सिंपल वाले करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, उसका रिक्वायरमेंट नहीं है अपने केमिस्ट्री में, अगर होगा तो कोई इशू नहीं है। ये मैंने अब हुआ क्या, एक्चुअली प्रेशर होगा क्या, प्रेशर जो मर्करी का है वो होगा जो भी लेंथ है, लेंथ इंटू कॉस थीटा, ये आपका क्या आएगा, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू पहले में कितनी थी, 0 थी, 0, इसलिए एल इंटू 0, फिजिक्स में चले जाओ बस, आप साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, इसलिए हमने लिया ही नहीं, 0 प्रेशर लिया, लेकिन दूसरे वाले केस में एल साइन थीटा साइन कितना है, 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो सिर्फ लेंथ ले ली मैंने, लेंथ इनटू 1, लेंथ ऐड कर दी, क्लियर, यस सर, तो फाइनल प्रेशर कितना बन गया, 76 प्लस 8, फाइनल वॉल्यूम निकालना है बेटा आपको, तो वापस वही लगा दो फार्मूला, अब दोनों चीजें आ गई, अब क्या लगाओगे, पी इनिशियल फाइनल, वी फाइनल, पी इनिशियल कितना आया टोटल आपका,
76 सेंटीमीटर, और V इनिशियल कितना है बेटा 10 A, फाइनल कितना हो जाएगा आपका 76 और 8 ऐड कर दो कितना हो गया 84. और वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा लेंथ नहीं पता लेकिन ए तो पता है ना, ए इंटू एल, सपोज एल वन है लेंथ तो ए से तो ए कैंसिल हो गया, लेंथ निकल आएगी, एल वन इज इक्वल टू 760 डिवाइडेड बाय 84, तो जो सेंटीमीटर होगा उतना निकाल लेंगे, तो हम पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू कर देंगे। अगर मैं इसी टेस्ट ट्यूब को वर्टिकली रखता लेकिन ओपन माउथ नीचे की तरफ करता तो सोच सकते हो फिर प्रेशर क्या होता, रखता वर्टिकल लेकिन उल्टी कर देता टेस्ट ट्यूब को मैं, तो सर एयर का प्रेशर लगता ना मरकरी पे, एयर का प्रेशर मरकरी पे लगता मतलब आपको टोटल प्रेशर कैलकुलेशन में माइनस करना होता जैसे ये बता रहा है सर, मरकरी गिरता नहीं, नहीं गिरेगा तो नहीं, गिरता नहीं है ना नहीं, वो, हाँ, मरकरी मरकरी नहीं गिरता कभी, वो देखते नहीं थर्मामीटर वगैरह में अटक जाएगा, हाँ जेलिस लाइक बिल्कुल ऐसा ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे टेस्ट ट्यूब रखोगे ना तो टेस्ट ट्यूब मरकरी आके यहाँ रुक जाएगा वो ओपन माउथ में, तो एयर यहाँ रह जाएगी, तो एयर पर क्या होगा अब मरकरी जो है उल्टा प्रेशर हटा रहा होगा नीचे की साइड कर रहा होगा, तो जो मरकरी का प्रेशर है माइनस करना पड़ेगा आपको इस पर जो लग रहा है एयर के प्रेशर से। एनीवे तो आपको क्या इस तरह की प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको अगर आती है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फोकस कौन से रूल पर रखना है, आपको वो चाहे घुमाता फिराता रहे तो आप तो आपको रखना है पी वन वी वन इज इक्वल टू या पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल पी फाइनल वी फाइनल। क्लियर सर, ये जो डाउनलोड वाला बताया आपने उसमें माइनस कर देंगे ना, हाँ उसमें जैसे यही क्वेश्चन होता तो इसमें 76 माइनस 8 कर देते हम, एयर पर प्रेशर कम पड़ता उतना। ओके सर चलें आगे बेटा, यस फिर देखो आप, यस सर फिर नेक्स्ट रूल उठाते हैं, देखो बॉयल्स पर काफी बात कर ली, फिर दूसरा कोई भी रूल हो आपको रूल याद करने की रटने की जरूरत नहीं है, ये बॉयल्स है ये चार्ल्स है, आप तो पीवी इक्वल टू एनआरटी से सोल्व करो जब भी प्रॉब्लम आ जाए। सपोज तीसरा सी, सी से रूल क्या बताया था मैंने आपको, सी से करेंगे तो चार्ल्स रूल, चार्ल्स का रूल है वो देखो रिलेशन जो बताएगा आपका वो बताएगा वी एंड टी का, वी वर्सेस टी, तो इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा बेटा देखो, इसका मतलब प्रेशर एंड अमाउंट, कांस्टेंट जो रहेगा वो आपका वो प्रेशर अमाउंट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा PV इज इक्वल टू NRT, आपको रिलेशन चाहिए V और T में, तो V इज इक्वल टू T बाकी सारा कांस्टेंट कर दो तो कांस्टेंट हो जाएगा N NR अपॉन T T N R V is equal to T V is equal to T N ये कर लेते हैं, V is equal to T N R upon P, और यहां पर N R upon P क्या हो जाएगा वापिस आपके लिए K constant, constant ये आ जाएगा, तो V is equal to T to constant, तो अब V क्या आ गया directly proportional आ गया, लेकिन ध्यान रखना ये टी टेम्परेचर तो है लेकिन किसमें होना चाहिए टेम्परेचर, टेम्परेचर होना चाहिए केल्विन, जब टेम्परेचर को केल्विन में बोलते हैं तो इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर,
टेम्परेचर बोलेंगे इसको हम, एब्सोल्यूट स्केल, केल्विन स्केल जो है एब्सोल्यूट स्केल है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, तो ग्राफ आपका देखो सीधा आएगा ऐसे V और T के बीच। तो मान लो अपने पास दो तीन ग्राफ हैं ऐसे और अलग अलग प्रेशर पर है, देखो बेटा P1 P2 P3, तो देखो जिसका स्लोप ज्यादा होगा तो उसका K ज्यादा हो जाएगा, क्लियर? जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका K ज्यादा होगा तो P क्या होगा उसका, कम होगा। इसका मतलब P1 जो है वो लोएस्ट है, P3 जो है वो हाईएस्ट, तो यहाँ पर P1 से P2 P3 हो जाएगा, क्लियर? तो जब भी आपको इसका नॉमिनेटर सोल्व करना VT का, तो V अपॉन T कांस्टेंट हो जाएगा, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू लगा देना V2 अपॉन T2, V और T कांस्टेंट आना चाहिए हमेशा, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। अच्छा, कई बार आपको देखो ये पूछा जाता है नॉट कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो क्या वैल्यू होगी एब्सोल्यूट जीरो, मतलब एब्सोल्यूट का मतलब कौन से यूनिट में बताया मैंने आपको, केल्विन में, केल्विन, तो इसका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पूछ रहा है, तो आंसर क्या दोगे, जीरो केल्विन, क्या आंसर दोगे, जीरो केल्विन, या डिग्री में देना है तो जीरो केल्विन में कितना आएगा, 273 और आगे चलना है तो 1.5 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन में होता है आपका प्लस 273, तो 273.15 इतना डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब देखो अगर आपको ग्राफ बनाना हो नॉट, प्रोवाइड द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, केल्विन ना हो डिग्री सेल्सियस, तो बेटा ये फार्मूला यूज करना है, वी टी इज इक्वल टू वी जीरो प्लस 1/273 टी डिग्री सेल्सियस, अगर आपको टेम्परेचर, छोटा टी का मतलब डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले रहा हूं मैं, तो यहां पर वी टी किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ गैस कितने डिग्री सेल्सियस पर बेटा, एट टी डिग्री सेल्सियस, आपको टी डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम ऑफ गैस चाहिए, तो वी जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये टी का मतलब क्या है यहां पर, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो जब भी ग्राफ बनाओगे तो कौन सी इक्वेशन बनगी बेटा, देखो वी वाई इज इक्वल टू वी नोट, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होगी, 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट सी प्लस एम एक्स, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गया ऐसे, देखो बेटा ऐसे, इधर सपोज मैं वॉल्यूम नोट कर रहा हूं वी टी, इधर टेम्परेचर लेकिन डिग्री सेल्सियस में नोट कर रहा हूं टी डिग्री सेल्सियस, तो देखो इंटरसेप्ट आ गया पॉजिटिव, इंटरसेप्ट आ गया आपका पॉजिटिव, और स्लोप भी क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव ऐसे जाएगा। yes. तो बेटा ये चीज क्या शो कर रही है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का वॉल्यूम जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम जरूर आएगा, थोड़ी जीरो है, और बेटा है भी परफेक्ट है, आप प्रैक्टिकली सोचो कि सर्दियों में हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो क्या गैसेस के वॉल्यूम जीरो हो जाते हैं, नहीं होते, तो गैसेस का वॉल्यूम जो है जीरो नहीं होता 0 डिग्री सेल्सियस पर, अगर जीरो होगा तो कैसे चेक करोगे, ग्राफ को पीछे बढ़ाओ,
पीछे बढ़ाओगे तो ग्राफ ऐसे बढ़ेगा, पीछे यहां जाके मिलेगा। तो जब यहां जाकर के ग्राफ से कैलकुलेशन की तो ये टेम्परेचर जो आया, ये आया आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस। कितना आया? -273.15 डिग्री सेल्सियस। फिर एब्सोल्यूट डिसाइड कर दिया हमने, कहा कि ये वैल्यू जीरो केल्विन के बराबर, ये वैल्यू किसके बराबर है? जीरो केल्विन। तो अगर केल्विन बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे यहां से, तो देखो यहां से बनाओगे तो ये ऐसे ओरिजिन से दिखेगा ग्राफ, ऐसे वाला है कि नहीं है? अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिखूंगा तो यहां से पॉइंट लगेगा आपको, लेकिन डिग्री सेल्सियस दोगे तो ग्राफ ऐसा आएगा, ये वाला। तो किसी भी गैस का वॉल्यूम कब जीरो हो सकता है? कितना टेम्परेचर हो जाए जीरो हो जाएगा, देखो -273.15। ये वाला टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है जीरो केल्विन। अगर ऐसा हो गया तो गैसेस वॉल्यूम सारे खत्म हो जाएंगे, तो गैसेस का वॉल्यूम ही नहीं रहेगा, गैसेस ही नहीं रहेंगी तो लाइफ ही नहीं रहेगी। इसलिए हम बोलते हैं इस वाले टेम्परेचर को क्या बोलते हैं जो आपका एब्सोल्यूट जीरो है, मिनिमम पॉसिबल थियोरेटिकल, प्रैक्टिकली तो है ही नहीं ये टेम्परेचर। याद है आपको, आपने पढ़ा होगा एक एंट्रोपी का रूल पढ़ते हो आप, थोड़ा बहुत अगर याद आ रहा हो तो, थर्ड रूल कि एंट्रोपी 0.0 केल्विन पर होती है। तो इसका मतलब वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल बात है, ना कभी 0 केल्विन टेम्परेचर होगा ना कभी डिस्टरबेंस, खत्म होगी यूनिवर्स की। तो थर्मोडायनेमिक्स आएगा तो डिटेल बताऊंगा। अभी देखो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना है थ्योरेटिकल पूछा जाए तो 0 केल्विन या -273.15, ग्राफ इस टाइप का आएगा। बट आप क्या करना, आपको चाहे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे दिया जाए लेकिन आप फार्मूला यही यूज किया करो, केल्विन में कन्वर्ट करके कर दिया करो, आपके लिए आसानी रहेगी। क्लियर? जैसे मैं अभी एक प्रॉब्लम देता हूं, चाहे आपको डिग्री से, मेरा कहने का मतलब है आपको इवन चाहे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे, बट आप कैलकुलेशन हमेशा किस में करो, केल्विन में कन्वर्ट करके करो, इजी रहेगा। हटा दूं बेटा ये, आगे चलूं? सपोज मैंने आपको एक ये प्रॉब्लम दे दिया, ऑन इंक्रीजिंग 1 degree Celsius टेम्परेचर व्हाट इफेक्ट ऑन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड अमाउंट। देखो हमारे पास इक्वेशन तो बेटा यही है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब इंक्रीजिंग टेम्परेचर कह रहा है, एक तो टी वेरिएबल कर रहे हैं और वॉल्यूम पूछना चाहता है वी, तो बाकी सब कांस्टेंट, वी अपॉन टी को इधर ले आओ, एन आर अपॉन पी क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। तो आप क्या लिख सकते हो, V इनिशियल अपॉन T इनिशियल, बट टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, तो V2 टेम्परेचर अपॉन T2। तो यह निकाल लेते थे, सपोज वॉल्यूम हमारा इनिशियल V है, फाइनल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो सपोज पहले मेरे पास टेम्परेचर था, इनिशियल टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस था, टी डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया बेटा मेरे पास, टी प्लस वन डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब मैं इसको टी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो कितना ऐड करूंगा मैं, तो इनिशियल टेम्परेचर हो गया सपोज मेरे पास T1, केल्विन में नोट करना है तो जितना T डिग्री सेल्सियस है प्लस 273 ऐड करूंगा। क्लियर?
केल्विन में टेम्परेचर कैसे निकालते हो, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करते हो, तो पहले मेरे पास था टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो केल्विन में कितना हो गया मेरे पास, समझ आ गई बात, टी प्लस 273 केल्विन हो गया, और फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया देखो, टी टू या टी फाइनल, टी प्लस 1 प्लस 273 मतलब कितना हो गया, टी प्लस 274 केल्विन। इनिशियल वॉल्यूम वी है, वी टू निकालना है, इक्वेशन लगा दो, सपोज इनिशियल वॉल्यूम वी है, फाइनल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, पहले वाला वी, पहले वाला टेम्परेचर टी प्लस 273 इज इक्वल टू वी फाइनल निकालना है आपको, टी टू टेम्परेचर टी प्लस 274, तो वी टी प्लस 274 डिवाइडेड बाई ये फाइनल आ गया। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया निकाल लो, डेल्टा वी, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्योंकि इंक्रीज हुआ है, तो वी फाइनल वी टी प्लस 274 डिवाइडेड बाई टी 73 माइनस वी इनिशियल, इनिशियल कितना था वी तो था, वी फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना आ गया देखो, वी कॉमन हो गया, ये आ गया टी प्लस 274 टी प्लस 273 माइनस 1, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, डीवी के बाद चेंज परसेंटेज, सपोज निकालना हो तो परसेंटेज वी का कैसे निकालोगे, डेल्टा वी अपॉन वी, तो डेल्टा वी अपॉन वी आ गया, डेल्टा वी निकाल रखा है आपने, वी टी प्लस 274 टी प्लस 273 जहां भी ले जाओ क्वेश्चन को ले जाना, डिवाइडेड बाय वी इनिशियल आ गया वी, तो वी से वी कैंसिल हो गया, तो आप डायरेक्ट परसेंटेज डिग्री सेल्सियस में निकालना हो तो ये फार्मूला यूज कर सकते हो, टी प्लस 274 आप कैलकुलेट करते रहो इसको, जो करना है आपने, अगर टी पता होगा तो वैल्यू भी निकाल सकते हो आप, इंटू 100 भी आएगा ना, आगे भी चाहो तो सोल्व कर लो, टी प्लस 273 है तो आगे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, तो टी की वैल्यू पता होगी तो हम कैलकुलेशन बना सकते हैं, क्लियर। तो डिग्री सेल्सियस में जो क्या नहीं लिखा सर, कि प्रेशर कांस्टेंट है, जब नहीं भी लिखा हो तो भी आपको, अच्छा इसको मैंने टी कांस्टेंट लिख दिया, कि टी कांस्टेंट नहीं ये पी है, एट फिक्स नहीं भी लिखा हो तो जो वेरिएबल हो सिर्फ उसी से लिया करो आप, मान लो मैं बाकी सबको कांस्टेंट कंसीडर कर, हां एज्यूम कर लेंगे फिर हम बाकी को, तो आप पी वी इक्वल टू एनआरटी का यूज करोगे, जो रिलेशन दे रखा है उसी का रिलेशन निकालोगे, बाकी दे रखा है तो इट्स ओके, नहीं दे रखा है तब भी आप कांस्टेंट ले लोगे, क्लियर। यस सर, चलो बेटा ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अभी, यस सर, थैंक यू बेटा। काजोल नो पर्सनल मैसेज इन चैट, ना बात करो यहाँ पर, क्या हुआ